भाई रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बारे में पढ़ेंगे है ना भाई। लेंस वगैरह फॉर्मूला अगला जो टॉपिक होगा ना, अगर आपको वो अच्छे से समझना है ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिंग सर्फेस है ये आपको पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस दो तरह के हैं आपके, एक है कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सर्फेस और दूसरा है कनकेव रिफ्रैक्टिंग सर्फेस ठीक है। तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सर्फेस आपका कुछ इस तरह का होगा भाई ठीक, और कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस कुछ इस तरह का होगा ठीक। तो इधर आपका मीडियम होगा तो सरफेस का, और ये आपका एयर होगी। सिमिलरली यहाँ पर ये मीडियम होगा और ये एयर होगी। तो ये पर्टिकुलर आपका जो सरफेस है ये मीडियम है, इसको आपने नाम दे दिया डेंसर मीडियम ठीक। तो इधर वाला क्या हो गया, रेयर मीडियम। क्या ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं है क्या? ये भी तो है ना। तो इधर वाला इसके लिए डेंसर मीडियम हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा ठीक। अगर इस कनकेव वाले को मैं नीचे ड्रॉ करूं तो आपको साफ दिख रहा होगा ये दोनों सरफेसेस अगर जोड़ दिया जाए, दैट इज प्लस कर दिया जाए, तो ये दो सरफेसेस मिलके क्या बनाएंगे, एक लेंस बना देंगे। कौन सा लेंस बना देंगे, कन्वेक्स लेंस बना देंगे ठीक। सिमिलरली एक कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया और दूसरा कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हो गया, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, कनकेव लेंस बन जाएगा भाई। क्लियर यहां तक, कोई डाउट तो नहीं ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलर सरफेसेस के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रे डायग्राम अगर आपको क्लियर है, उसका फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक है। तो अब पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए अगर ऑब्जेक्ट कोई समथिंग है तो उसकी इमेज क्या बनेगी ठीक है। तो भाई पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसकी हम बात करेंगे वो होगा कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और रिफ्रैक्शन कहां से कहां तक होगा उसका, रेयर टू डेंसर। तो इसके लिए ना आपको बेटा तीन अजम्पशंस के बारे में पहले पता होना चाहिए, तीन अजम्पशंस वो आपको खुद माननी है। पहली असम्पशन कि ऑब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। तो भाई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपने क्या मान लिया, पॉइंट मान लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया ठीक। दूसरी असम्पशन जो ये पर्टिकुलर रेज बनेगी ना, किसकी रेज, इंसिडेंट रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज, जो ये रेज बनेगी ये प्रिंसिपल एक्सेस के साथ जो एंगल बनाएंगे वो बहुत ज्यादा छोटे होंगे। रिफ्रैक्टिंग एंगल आपके जो हो गए, या एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गए, या इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एंगल एक्सेस के साथ जो एंगल हो गया, ये सारे एंगल्स आपके बहुत छोटे होंगे। ये अजम्पशंस हैं, ऐसा प्रैक्टिकली होगा या नहीं होगा इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते, पर हम पहले से अज्यूम क्या करके रख रहे हैं कि जो इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सेस के साथ एंगल बनाएंगे, रिफ्रैक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सेस के साथ जो एंगल बनाएंगे, या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल हो गया, ये एंगल्स आपके बहुत छोटे होंगे, ये आपकी अजम्पशन है। और जो तीसरा अजम्पशन है वो क्या है, जो आपका ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका जो अपर्चर है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होगा। ये तीन असम्पशन ठीक है। तो पहली असम्पशन आपने जो मानी हुई है वो है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट ठीक। फिर एक ऑब्जेक्ट की अगर आपको इमेज बनानी है तो 10th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कम से कम दो रेस चाहिए एक इमेज बनाने के लिए। तो इस ऑब्जेक्ट से मैंने क्या करा, एक रे तो ये निकाल दी ठीक, और दूसरी रे एज इट इज प्रिंसिपल एक्सेस के थ्रू निकाल दी। तो अब ये दो रेज कहीं पर भी आगे जाके मीट कर जाएगी, वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सेस वाली जो ये रेज आ रही है ये तो एज इट इज आगे की तरफ जाती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस रे को अब क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सेस पे कहीं जाके मीट करना है, जहां पर भी मीट कर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सेस के उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बन जाएगी, आपकी पॉइंट इमेज बन जाएगी, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट है ठीक। अब इंसिडेंट रे यहां पर क्या कर रही है, इस प्रिंसिपल एक्सेस के साथ एक एंगल बना रही है कि नहीं बना रही, तो इस एंगल को आपने क्या नाम दे देना है, अल्फा। क्या नाम दे देना है, अल्फा एंगल नाम दे देना ठीक। अब ये बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है या नहीं, जहां पर भी आपकी इंसिडेंट रे फॉल होती है तो
तो उसको क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आपका सबसे पहला काम क्या होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना। तो नॉर्मल एक सर्कुलर पाथ के लिए या सर्कुलर कर्वेचर के लिए कहाँ से पास होगा, उसके सेंटर से, क्योंकि नॉर्मल जो आपकी यहाँ पर आप ड्रॉ करोगे तो इस नॉर्मल को एक ऐसे पॉइंट से पास होना प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पर्टिकुलर पॉइंट उस कर्वेचर के लिए क्या कहलाया जाएगा, सेंटर। ठीक है, तो ये बेसिकली इस कर्वेचर का सेंटर हो गया। तो अब रे कहाँ से कहाँ जा रही है, तो ये आपका इधर का रेरर मीडियम, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं μ1 नाम दूंगा। तो ये आपका कौन सा हुआ, डेंसर मीडियम। तो इधर वाले को नाम क्या दे दिया जाए, μ2। तो रे कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, रेरर टू डेंसर, तो बेंड करेगी टूवर्ड्स अ नॉर्मल। तो रे बेसिकली ये वाली जानी चाहिए थी इधर, ये बेंड कर जाएगी टूवर्ड्स अ नॉर्मल। तो समथिंग यहाँ पर आपकी ये रे आके क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर बन गई इमेज। कोई दिक्कत? अब मैंने क्या बोला था कि ये पर्टिकुलर एजम्पशन जो आपने मानी थी वो क्या थी, एंगल्स आपके क्या होंगे, छोटे होंगे। तो अल्फा एंगल बना, एक आपने मान लिया ये सेंटर जो आपका ये नॉर्मल है इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा जिसको आपने नाम दे दिया बीटा, बीटा एंगल बनाएंगे। एक एंगल यहाँ पर आ गया, क्या नाम दे दिया इसको, गामा नाम दे दिया। तो ये गामा एंगल हुआ, बीटा एंगल हुआ, ये अल्फा एंगल हुआ, एंगल्स क्या होंगे, वेरी वेरी स्मॉल होंगे। ये आपकी पहले से एक एजम्पशन मानी हुई है। फिर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक, अब आपको एक जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी है आपकी यहाँ पर, तो एंगल आई आपका एक एक्सटीरियर एंगल है, तो कौन सा ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर होगा, तो आपकी ये वाली जो रे है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक नॉर्मल के लिए, ये जो लाइन है पॉइंट सी है, एक पॉइंट आपका ये वाला हो गया जहां पर आपका नॉर्मल है, इसको आपने नाम दे देना है एन। तो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ओ एन सी, तो इन ट्रायंगल ओ एन सी आपका जो एंगल आई है, जो एक एक्सटीरियर एंगल है, एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा, तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस बीटा। तो दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली दूसरा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है आपका, बीटा, किस ट्रायंगल के लिए, एन सी आई ट्रायंगल के लिए। तो इन ट्रायंगल एन सी आई बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल, ध्यान से देखिए ये वाला दिख रहा है ना, तो यहाँ पर बीटा एक एक्सटीरियर एंगल है किसके लिए, आर प्लस गामा के लिए। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिलेगी, बीटा माइनस गामा, दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर टू। ठीक, आपका आई एंगल की एक वैल्यू मिल चुकी है, आर एंगल की एक वैल्यू मिल चुकी है, अब सिंपल सा एक स्नेल्स लॉ लगाइए। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो बेटा स्नेल्स लॉ भी ना आपने डायरेक्टली वही नहीं लगा देना, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। स्नेल्स लॉ कंप्लीट लगाना जो 10th में स्टडी करा था, एक पर्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसमें बनने वाले एंगल के साइन के साथ उसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, तो वो दूसरे मीडियम में इसी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इधर ध्यान से देखिए, ये आपका रेरर मीडियम हो गया, तो इसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, μ1, तो इसमें बनने वाला एंगल क्या है, आई, तो साइन आई विल बी इक्वल टू व्हाट, फिर डेंसर मीडियम में गए तो वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, उसमें बनने वाला एंगल क्या है, आर, तो म्यूटू इनटू साइन आर। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा, जैसे रिफ्रैक्शन होगा डेंसर टू रेयर, तो वहां पर आप धोखा खा जाओगे, म्यू इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर μ1 इनटू साइन है इज इक्वल टू व्हाट, म्यूटू इनटू साइन, एजम्पशन के तौर पर आपके एंगल्स क्या है, स्मॉल है, तो साइन आई की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, एंगल्स स्मॉल होने की वजह से आप क्या लिखोगे, साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई, साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। तो μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। आई की वैल्यू आपको दिख रही है अल्फा प्लस बीटा, आर की वैल्यू भी दिख रही है क्या है, बीटा माइनस गामा। तो इन दोनों का यूज करेंगे, तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या मिलेगा, μ1 इंटू आई की जगह अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2 इंटू
क्या है यार? बीटा माइनस गामा। ठीक, अब एंगल्स बीइंग स्मॉल तो आप क्या लिख सकते हो भाई? अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा, बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा, गामा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा। तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो 10 अल्फा इज इक्वल टू, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो वो क्या है, एन से आप क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। तो वो परपेंडिकुलर लाइन आपकी ये होगी, ताकि ये राइट एंगल बन जाए। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए? तो एन पॉइंट ये, तो इसको नाम दे दिया एम। ठीक है, ये आपके पास एक तरह से एक जो काम पोल करता है मिरर के केस में, तो यहाँ पर एक काम का एक पोल की तरह ही बिहेव करेगा ये, जो क्या कर रहा है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। इस पॉइंट को आपने पी नाम दे दिया, ये पॉइंट एम हो गया। तो अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से मैं क्या कह सकता हूँ, पॉइंट पी और पॉइंट एम बहुत ज्यादा क्लोज है। आपकी जो तीसरी अजम्पशन थी, अपर्चर बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा होने की वजह से मैं क्या कहूंगा, जो आपने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है, तो उस पॉइंट का जो एम है वो ऑलमोस्ट कहाँ है, पी के आसपास। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा। तो 10 अल्फा, तो भाई 10 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, एम एन अपॉन ओ एम, एम एन अपॉन ओ एम। ठीक है, सिमिलरली 10 बीटा की वैल्यू क्या होगी, एम एन अपॉन एम सी, एम एन अपॉन एम सी। और 10 गामा की वैल्यू क्या होगी, एम एन अपॉन एम आई, एम एन अपॉन एम आई। ठीक है, अब इन अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर ये थर्ड में पुट कर देंगे। ठीक, तो म्यू 1 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, एम एन अपॉन ओ एम। ठीक, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, एम एन अपॉन एम सी इज इक्वल टू म्यू 2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, एम एन अपॉन एम सी। ठीक है, माइनस गामा की वैल्यू एम एन अपॉन एम आई। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये आपका जो पॉइंट एम है ये बहुत ज्यादा क्लोज है किसके, पॉइंट पी के। तो क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। अच्छा, ऊपर वाले सारे के सारे एम है तो वैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो उनको अगली स्टेप में लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या करना है, एम को रिप्लेस करना है किसके साथ, पी के साथ। तो 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC इज इक्वल टू म्यू 2 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। अब यूज करेंगे साइन कन्वेंशन का। तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो आपको OP की जो वैल्यू है वो किसके बराबर मिलेगी। ध्यान से देखिए, OP यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दैट इज यू। ये आपके पास क्या है, रेडियस है, दैट इज आर। ये आपके पास क्या है, दैट इज इमेज डिस्टेंस वी। ठीक, तो OP बिकम्स व्हाट, माइनस यू। ठीक, PC बिकम्स व्हाट, आर। PI बिकम्स व्हाट, वी। तो यूज दिस वैल्यूज, तो म्यू 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन OP बिकम्स 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन R इज इक्वल टू म्यू 2 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन V। ठीक है, अब आपने क्या करना है भाई, म्यू 1 अपॉन माइनस यू एज इट इज प्लस म्यू 1 अपॉन R एज इट इज, म्यू 2 अपॉन R एज इट इज माइनस म्यू 2 अपॉन V एज इट इज। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, R को उधर ले जाइए और V वाले टर्म को इधर ले आइए। म्यू 1 अपॉन माइनस का यू प्लस म्यू 2 अपॉन V इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन R माइनस म्यू 1 अपॉन R। ठीक, तो आप चाहो तो नीचे बाद में एलसीएम ले लेना। तो म्यू 1 अपॉन माइनस यू प्लस म्यू 2 अपॉन V इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R। क्लियर है? तो आपका एक कंप्लीट डेरिवेशन आता है किसके लिए, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। किस रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात हो रही है यहाँ पर, कन्वेक्स। कहां से कहां तक, रेरर टू डेंसर। जब आप डेंसर टू रेरर का करोगे, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं एक छोटा सा यहाँ कंसेप्ट भी ड्रॉ करता हूँ, ठीक, तो ये जो डेंसर है और ये आपका रेरर है, तो इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, डेंसर में है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जब रेरर में है, तो
उसके साथ रेरर मीडियम ही आ रहा है म्यू वन। तो जब डेंसर टू रेरर में करोगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? डेंसर में। तो फॉर्मूला में चेंज क्या आ जाएगा? म्यू टू अपॉन माइनस का, ये याद रखना बस। प्लस ऑटोमेटिकली म्यू टू किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा? सिंपल सा कंसेप्ट है, वन को टू से रिप्लेस कर दो, टू को वन से रिप्लेस कर दो। तो फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा? म्यू टू अपॉन माइनस का यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू अपॉन, आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। किसके लिए बना ये वाला? और एरर टू डेंसर, वो किसके लिए बना? डेंसर टू एरर। कोई दिक्कत? ठीक है, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दोगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला बन जाता है। जब आप ये रेरर टू डेंसर वाले एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जोड़ोगे और डेंसर टू रेरर वाले एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जोड़ोगे किसके साथ? इन दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है? लेंस मेकर, लेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? लेंस बन जाता है, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस जुड़ रही हैं। क्या बनाएंगे वो? जाहिर सी बात है, लेंस बनाएंगे। ठीक है ना, तो तभी तो बोला जाता है डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कनकेव लेंस। तो डबल वर्ड क्या कहता है वहां पर? डबल वर्ड वर्ड ये सिग्निफाई करता है कि दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस है, दो रिफ्रैक्शन होगी। एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट डज द डबल वर्ड सिग्निफाई इन केस ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस? दैट रिप्रेजेंट्स दैट कि देयर आर टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस इन अ पर्टिकुलर सिंगल लेंस। ठीक है ना,